दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई चाणक्या IAS अकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच. फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फ्रॉम 20th July टू 24th July फॉर सिविल एंड स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन. गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति सिरमौर के बैनर तले अनुसूचित जनजाति संगठनों और जिला के सभी विकास खंडों में गठित कमेटी सदस्यों ने नाहन में धरना प्रदर्शन किया. गिरिपार की 154 पंचायतों को हाटी जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की कवायद के बीच SC की 40% आबादी के अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति ने उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा. इसमें उन्होंने ट्रांसगिरी क्षेत्र को हाटी समुदाय के दर्जे से पूर्व SC को संरक्षण देने वाले कानूनों को संरक्षित करने की पुरजोर मांग की है. समिति के बैनर तले जिसकी अध्यक्षता साथी अनिल मंगेट कर रहे हैं, उसके बैनर तले सभी अनुसूचित जाति वर्ग के संगठन और सामाजिक संगठन जिसमें भीम आर्मी एकता मिशन, दलित शोषण मुक्ति, विश्वकर्मा सभा, वाल्मीकि सभा, रामदासिया सभा और अखिल भारतीय गोली समाज के सभी लोगों का एक प्रतिनिधित्व मंडल एक रैली के रूप में जो गिरिपार की 154 पंचायतों को अभी आपका जो हाटी क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की बात चल रही है उसके संदर्भ में एक ज्ञापन जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को देने आ रहे हैं. इससे पूर्व भी हम दिल्ली के अंदर भी ट्राइबल मिनिस्ट्री को, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को और विभिन्न विभिन्न जो सचिव हैं विभिन्न विभिन्न भागों के उनको पत्राचार कर चुके हैं, राष्ट्रपति को पत्राचार कर चुके हैं. लेकिन जो ये 154 पंचायतों का जो संवेदनशील मसला है इसमें समझने की ये ज़रूरत है, हमें किसी क्षेत्र के जनजातीय होने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात से है हिमाचल प्रदेश ही पूरे भारत के अंदर एक ऐसा प्रदेश है जहाँ ट्राइबल के अंदर जातियाँ विद्यमान है. और अभी किन्नौर के अंदर हमने एक RTI लिया है, उसमें साफ जो जिलाधीश किन्नौर है उन्होंने कहा है कि किन्नौर कास्टलेस सोसाइटी नहीं है. उनका इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ जातियाँ आज भी विद्यमान है. जहाँ कास्टलेस सोसाइटी नहीं है वहाँ तो आप जनजातीय क्षेत्र की मांग को जायज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कास्टलेस सोसाइटी है वहाँ जाति के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है. आप इन 154 पंचायतों का अंदर देख लीजिए, जो हमने विभाग से आंकड़े लिए हैं 115 केस एट्रोसिटी के हुए हैं जिसमें से 106 केस इन्हीं 154 पंचायतों के हैं. तो सरकार को, चाहे केंद्र सरकार को, चाहे RGI को इस बात को मद्देनजर जरूर रखना चाहिए कि अगर वो एट्रोसिटी ट्राइबल किसी क्षेत्रों कर रहे हैं तो जो वहाँ की 40% आबादी है SC के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण के विषय में भी सोचना होगा. एट्रोसिटी एक्ट का भी है, पंचायती राज प्रतिनिधित्व में प्रतिनिधित्व का भी है जिसमें OBC वर्ग को भी नुकसान होने वाला है, SC वर्ग को भी नुकसान होने वाला है. तो इन सभी चिंताओं को देखते हुए हम यहाँ इसी मसले के ऊपर एक ज्ञापन देने आए हैं. और जो RGI से हमने कन्फर्म किया है, हम दिल्ली गए थे तो वहाँ की रिपोर्ट से यही लगा है कि इन्होंने सर्वे कराया है, कमीशन ने सर्वे कराया है, लेकिन जो SC वर्ग के लोग हैं, जो 40% लोग हैं, OBC के लोग हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के सर्वे में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वो सर्वे किसी बंद कमरे में बैठ के सर्वे की रिपोर्ट बनी है. और 2007 की जो रिकमेंडेशन थी RGI की, उन्होंने साफ साफ कहा कि हाटी कोई कम्युनिटी नहीं है. तो 2007 के अंदर के बाद ऐसा क्या, 2007 के बाद ऐसा क्या बदलाव, 2017 की माफी चाहूंगा, 2017 की रिकमेंडेशन के बाद ऐसा क्या बदलाव हो गया 4 साल के अंदर कि उस क्षेत्र को जनजातीय घोषित कर दिया. दूसरा, जो बैकवर्ड की बात करते हैं, फंड की बात करते हैं, तो हम ये मांग करते हैं कि BRGF की तरह अगर सरकार करना चाहे, नीति आयोग करना चाहे, जिस तरह चंबा और सिरमौर को पहले BRGF में लिया था उसी तरह 154 पंचायतों को ले लें. क्योंकि इस विषय के ऊपर बाकी जो बात रखेंगे हमारे साथी अनिल मंगेट जी हैं जो आज किसकी अध्यक्षता भी कर रहे हैं, वो भी इसके ऊपर बात रखेंगे क्या इसमें कानूनी पहलू है या हाईकोर्ट. दिव्य हिमाचल TV के लिए नाहन से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट.